हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए इतिहास पर हड़प्पा के आगे के क्वेश्चन। तो आओ, आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिन्होंने अभी भी एमपी परीक्षा सफलता की अब डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ये व्यापम के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए एक अच्छा ऐप है, जिससे आप 50,000 से भी इस पर निःशुल्क प्रश्न है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस ऐप को गूगल प्ले से, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें शिक्षक के डेली डोज से प्रतिदिन आप शिक्षक वर्ग 2 की भी निःशुल्क तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस कोड VIJLABH50 VIJLAB50 को लगाएंगे तो आपको 230 रुपये की टेस्ट सीरीज 50% ऑफ में 115 रुपये में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। और जिन्होंने अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, लकी विनर बन सकते हैं। आज ही आपको लकी विनर जो बनेगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें लकी विनर का नाम भी अनाउंस हो जाएगा, तो आप अभी भी बन सकते हैं। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में था। तो चलिए ऑप्शन बता देते हैं एक बार। धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो देखिए, जो आपने इसको सबसे पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जरूर कमेंट करके भी आंसर बताते जाइए। और लास्ट में फाइनल भी जरूर बताना कि आपके टोटल कितने सही थे। तो चलिए, और वो टॉपर ऑफ द वीडियो बन जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा इनके इस वीडियो में सबसे ज़्यादा प्रश्न थे। तो इसका सही उत्तर है बनवाली। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है, जरूर याद रखिएगा। ये भी कहीं पर पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए, बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगन, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो देखिए, क्या कौन सा ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, पाटलिपुत्र। ये उससे संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन और लोथल। तो भारत में सबसे बड़ा या भारत में वृहद स्थल पर जो हड़प्पा का है, तो इसका जो सही उत्तर है, बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या होगा? आप चलिए, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपके होमवर्क में जरूर रखें हम। देखिए, हम होमवर्क केवल इसलिए दे रहे हैं, आप पढ़िए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है ये हड़प्पा, जरूर इससे प्रश्न पूछते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में बता चुका हूँ। एक मुगल पढ़ लीजिए आप पूरा, एक गुप्तकाल पढ़ लीजिए, एक मौर्यों को पढ़ लीजिए, और जो मैंने आपको आधुनिक भारत में भी जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो जरूर पढ़ लीजिए आप। इनसे बार बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये होमवर्क है आपका, जरूर बताइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। आप पढ़िए इस टॉपिक को, आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो रिकूट का प्रयोग करना है आपको। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो किस किस पे बसी थी, ये आपको मैंने चारों ऑप्शन बता दिए। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं किस किस पे बसी। आपका ये कूट देख लीजिए, A1 में ए और एक और दो है, बी में 1, 2, 3 है और सी में 2, 3, 4 है और डी सभी चारों हैं। तो अब मैं उसका आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व कर लिया होगा आपने। देखिए, सिंधु पे भी बसी है, चेनाब पे भी थी और झेलम पे भी थी, तो तीनों नदी पे थी। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 का जो ऑप्शन है वो बी है, तो ये सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, अगर आप एक बार ये टॉपिक को ही रीड कर लेंगे ना, जनरली रीड भी कर लेंगे, तो भी आपके कई सारे क्वेश्चन आसानी से सही बनने लग जाएंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में।
ये आप टॉपिक को पढ़िए, देखिए आपको बड़ा सरल क्वेश्चन है, पर कई बार पूछा गया है प्रश्न कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, मातृशक्ति में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, अर्थात तो वहाँ पर माताओं का पूजन किया जाता था। तो ये इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ जो इनके नगर जो होते हैं कि भाई कौन सा कहाँ पर स्थित है, ये एक इससे प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ नदियों पर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो देखिए जो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे, ये इसका सही उत्तर है। आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, स्पीड को अपनी बढ़ा लीजिए, अब एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है आपकी, तो इसलिए अब मैं भी आपको फास्ट पढ़ाने लगा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मॉर्सल, क्लाइव कनर्टार्ट। तो जो इसका सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है सर जॉन मॉर्सल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आईएमपी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, आपको जो भी नोट करना वीडियो को रोककर नोट कर लिया करें। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सानी, जॉन मॉर्सल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, मधो स्वरूप वस्त तथा बी वी राव। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और इसके ऑप्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सानी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे राखलदास बनर्जी और दयाराम सानी है। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ये आप याद करिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बोल रहे कि कौन सा जो है जो सही मैच नहीं है। हड़प्पा के सामने इन्होंने लिखा दयाराम सानी को, लोथल एस आर राव, सुरकोटा जे पी जोशी, धोलावीरा वी के थापड़। तो देखिए जो इसका सही उत्तर अब मैं आपको बता देता हूँ, चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए जो धोलावीरा इसका जो है ये वी के थापड़ नहीं है, तो फिर धोलावीरा के कौन है, तो धोलावीरा के आर एस विस्ट लिख लीजिए, धोलावीरा के जो है आर एस विस्ट हैं, नोट कर लीजिए, धोलावीरा के आर एस विस्ट हैं, और ये साथ ही साथ हड़प्पा के दयाराम सानी है, लोथल के आर एस आर राव है, सुरकोटा के जे पी जोशी हैं, नोट कर लीजिए तीनों को, साथ ही साथ धोलावीरा के आर एस विस्ट हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, नोट कर लिया होगा आपने, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, एकनिंगम, सर जॉन मॉर्सल, मार्टिमर व्हीलर और जॉर्ज एस डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स। तो देखिए हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स हैं, और जो वीडियो जो सबसे ज़्यादा हाई है जिनके मार्क्स होंगे हमें पता है, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सब ईमानदारी से ही हमें मार्क्स बताते हैं, तो जो भी होगा फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा कि भैया ये हाईएस्ट थे हमेशा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप एक्चुअल जो कंपटीशन है उसे जान पाएं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपने सॉल्व कर लिया होगा कि सिंधु सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूं, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मोहनजोदड़ो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान में। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है इसका आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, साथ ही साथ ऑप्शन देख लिए होंगे और आपने टिक कर लिया होगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसका जो सही उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आईएमपी क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, कौन सी ऐसी धातु थी जिसका उसने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, तांबा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर,
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में, बर्णवाली में। आप क्वेश्चन, यानी हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो है लोथल में। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, नोट करते जाइए, आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, साथ ही साथ हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके टॉपिक को 100% कवर कराने का हम ये सोच रहे हैं, इसलिए इतने सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं और आपकी हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए हम शुरू में आपको कह देते हैं कॉपी पेन लेकर बैठिए और हमें जरूर बताएं कितने आपके मार्क्स सही है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ ये आप मुझे व्हाट्सअप डाल दीजिए, साथ ही साथ कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे 8962429653, ये मेरा नंबर है। और साथ ही साथ आप आज हम ये देखिए, पहले जो बुक थी ये बुक विनर ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बाल विकास शिक्षा शास्त्र पे बुक थी, तो ये और ये संपूर्ण थ्योरी को कवर करती है, इसमें 650 से अधिक प्रश्न है। तो ये जो बुक विनर बने थे देखिए देसरा सफरे जी थे, इनके घर हमने बुक भेज दी है। और ये देखिए इस पे 149 की बुक थी, 73 इस पे शिपिंग चार्जेस भी लग चुका था। आज हम एक फिर दूसरे विनर का नाम, दूसरे बुक विनर का नाम अनाउंस करेंगे, तो आप भी लकी विनर बन सकते हैं। आज ही एक वीडियो फिर आएगा, इसके बाद उसके अंदर अनाउंस करते हैं। तो अभी भी जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, इसी नंबर पे भेजना है आपको स्क्रीनशॉट। ये नंबर है आपको, देखिए जो देसरा सफरजीत है इन्होंने ये तीन ग्रुपों में वीडियो को शेयर किया था, एक अतिथि शिक्षक संघ में किया था, MPTET में और टीचर्स प्रिपरेशन में, और ये लकी विनर बन गए, तो आप भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये बोल रहे कि जो हड़प्पा कालीन स्थल थे उसमें ऐसी कौन सी धातु है जिसकी प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन ए तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो देखिए जिसका जो सही उत्तर है वो है लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल इसी कारण से जो हड़प्पा की सभ्यता उसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, इस कारण से कि यहाँ पर हड़प्पा में के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास हुआ था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, थर्ड ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है कि कौन से सही है, तो कूट का प्रयोग कीजिए, वन एक और दो सही है, एक और तीन सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हो, इसमें जो हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, तो वन और टू सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है वन एंड टू, ए इसका सही आंसर हो जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोट डीजी आमरी, कोड्डा जी भी कहा जाता है इसे, कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग इसका नाम मिलता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो इसका आपने आंसर दे चुके होंगे। अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है धोलावीरा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। कई एग्जाम में पूछ चुके हैं ये, इस तरह के प्रश्न आते हैं इसलिए मैं आपको राज्य याद करा रहा हूँ, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में। तो देखिए किस राज्य में, इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, गुजरात। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सूरकोड्डा। तो देखिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो है धोलावीरा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखिए आपको लग रहा होगा कि जरूर फास्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको, पर आपकी स्पीड बढ़ाना इसके लिए हम ये जो के लिए प्रैक्टिस जो करा रहे हैं वो फास्ट करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगल और धोलावीरा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है धोलावीरा। और देखिए जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही है, साथ ही साथ आप हर क्वेश्चन का कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं और फाइनल जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स हुए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लगा लीजिए सबसे पहले तो इस प्रश्न को,
और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो देखिए लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ये, और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, बुक विनर बन सकते हैं आप, और कहीं कुछ डाउट हो तो ज़रूर इस नंबर को सेव कर लीजिए। और देखिए हम आपके लिए ये लाए हैं हिंदी के वीडियोस हैं, अगर आप ये हिंदी के वीडियो ख़रीदना चाहते हैं 2500 रुपये मूल्य के, केवल हम 250 रुपये में लेकर आए, और ये भी हम आपसे 250 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हैं, जो हमारे वीडियोस बनाते हैं जो लोग हमारे आईटी वाले हैं बस इसीलिए हम आपसे कॉस्ट के रूप में चार्ज करते हैं। फिर भी अगर कोई की फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो ये ना पे कर पा रहा हो तो ज़रूर मुझे इस नंबर पर 8962429653 पे मुझे कॉल कर लेना, जो भी बेस्ट रहेगा वो मैं आपको कर दूंगा। और ये जो आपके लिए प्राइस है केवल 25 नवंबर तक है, और आपको बस यस लिख कर, यस करके हिंदी भी ज़रूर लिख दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करना हो तो कमेंट और व्हाट्सअप ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं हम इस प्रश्न पर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लगा लेना इस प्रश्न को। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से और लोथल से। तो अब आप बता लीजिए, आप ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, हड़प्पन स्थल नोली के अभी हाल में उत्खनों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने, मानव के समाधान मिले हैं यहां सर हड़प्पन स्थल सनोली से, अभी हाल ही के उत्खनों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, हम यही चाह रहे हैं आपके लिए, हम इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं कि एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसके सारे प्रश्न आपके कवर हो जाए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगा लीजिए, कई एग्जाम में पूछा गया है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत आईएमपी है, लगा लीजिए। मिस्र से, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में, मोस्ट आईएमपी जरूर लगा लेना। वस्त्रों के लिए भारत की खेती का आरंभ सबसे पहले, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, तो बिल्कुल ये पॉइंट तो सही है। इस पॉइंट पे क्या कह रहा है एक बार जरूर पढ़ते, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित है। बिल्कुल देखे होंगे कि जो आपने देखा होगा सिंधु घाटी में मात्र सत्तात्मक थी, साथ ही साथ पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, तो बिल्कुल ये पॉइंट धार्मिक तत्व थे, क्या थे, विद्यमान थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, मतलब बहुत अधिक ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं था, तो बिल्कुल ये पॉइंट भी सही है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C1 and 2 बोथ। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, केवल एक और दो, केवल दो, 1, 2, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक बार फिर आप प्रश्न को देख लीजिए और अब आपके उसके ऑप्शन देख लीजिए, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या होए आंसर। ये क्वेश्चन देखिए आपको काफ़ी कुछ हम पढ़ा चुके हैं, तो ज़रूर ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखिए, होमवर्क में यही देना, हम इसलिए चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप इस टॉपिक की डिटेल ज़रूर पढ़ें ताकि आपको कुछ और अच्छा है इसमें पढ़ने को मिले। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, ज़रूर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके ये रोक लिया होगा आपने, अब इसके ये ऑप्शन भी नोट कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से, चौहद्रो से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। देखिए बोल रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा आईएमपी क्वेश्चन है कि वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो आपको ऑप्शन बता चुका हूँ, इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता, ये जरूर ध्यान में रखिए। ये बोल रहे हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके अंदर जो मोहरे चलती थी, तो किस एक का उस मतलब जो सिक्के थे मोहरे थे उस पर अंकन नहीं था,
मोहरों पर अंकन नहीं था। बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। तो देखिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, घोड़ा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसकी इस वीडियो के बाद ये टॉपिक हड़प्पा आपका पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ खत्म हो जाएगा। फिर हम आपके अगले टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, साथ ही साथ एक जीएस का वीडियो भी होगा जो कंप्लीट जीएस, एंटायर जीएस को कवर करता है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी हम आपका जीएस कंप्लीट करा रहे हैं, जो आपका सोशल साइंस है वो आपका अच्छा हो जाए और वर्ग एक का भी आपका अच्छे से हो जाए। और आप किसी दूसरे स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे आप MPPSC इसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसकी भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। किस, क्योंकि वो फरवरी में एग्जाम आ जाती है, 2 साल से फरवरी में आ रहा है, तो बिल्कुल उसे भी ध्यान में रखिए आप। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ये बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे अवशेष जिसके सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर होमवर्क में रखिए। देखिए क्वेश्चन होमवर्क में सेवर इसलिए देते हैं, प्रैक्टिस करिए आप, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई थी, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोट्टा से। तो देखिए मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, आपने सॉल्व कर लिया होगा, कालीबंगा से। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद एक हमारा वीडियो फिर आएगा, वो कॉमर्स पर होगा, और उसके अंदर साथ ही साथ विनर का नाम भी अनाउंस कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, मोस्ट टाइम पर लगा लेना कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी है, मोस्ट टाइम पर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। साथ ही साथ ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, रोमन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, यूनानी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम नील नदी की बात करें, तो नील नदी आपको अगर देखेंगे तो ये मिस्र में है नील नदी, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, या कहीं ना कहीं आपके भूगोल को कवर करता है। अब बात करते हैं इसका जो आंसर है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर है मिस्र की सभ्यता, IMP क्वेश्चन जरूर लगा लेना है क्वेश्चन को। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, यह हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। साथ ही साथ आप बुक विनर अभी भी बन सकते हैं, केवल वीडियो को शेयर करके जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जितने भी लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं उसकी चिट डाल दी जाती है, और उसके बाद जो लकी विनर बनता है उसका नाम अनाउंस कर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बुक विनर बन सकते हैं, बुक आपके घर पर आ जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस प्रश्न पर। और देखिए देशराज सफरे जी बुक विनर बने, साथ ही साथ वो टेस्ट विनर भी एक व्यक्ति हैं जो बने हैं, और अब इन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया। शुरू में इनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो इन्हें हम आज या कल टेस्ट बाय करके दे देंगे। MP परीक्षा का ये विनर बने थे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। देखिए वो रहे कि लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो इसका जो सही उत्तर है आपने सॉल्व कर लिया होगा, बता देता हूँ, सुमेरिया। देखिए ये जो सुमेरिया की जो क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि भी माना जाता है, ये भी जरूर नोट कर लीजिए आप, कि जो सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि है, सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि है, उसको क्या माना जाता है, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी या सबसे प्राचीनतम यह लिपि है। तो जरूर इसे नोट कर लीजिए, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और हम आपके GS भी कवर करेंगे, साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव हम आपके लिए MCQ भी लेकर आते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइए, और ये नंबर है, कुछ भी डाउट हो तो जरूर मुझे कॉल कर लेना, साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना। तो और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।